टूल्स यूज कर रहे हो, ओनली लाइट में यूज करना है ताकि बड़ी बात है, लाइट यूज नहीं करना है। बन गया सबका, जरूरी नहीं कि जैसे परफेक्ट बनाए, बस आपको आइडिया होना चाहिए कैसे बनेगा, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बाहर क्लिक करो, अभी डॉट आ रहा है, जैसे ये डॉट आ जाए तो इसे बाहर क्लिक करना है, अगर इसी पे क्लिक करो तो फिर नहीं होगा। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्लास मतलब कैसे लेना, ठीक है जी। अब ऐसे करते हैं कि मैं मेरे क्लास लेने से कि आप लोगों को क्लास ले, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। बीच में जो प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे क्वेश्चंस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो जब तक किसे स्टार्ट करें, आप आ जाइए। आपको क्या कहना है, आप क्लास के टीचर हो, ठीक है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको क्लास लेना है, आपको वीडियो को कंट्रोल करना है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन होना चाहिए, बच्चों से क्या क्वेश्चन, मतलब जैसे एक नॉर्मली क्लास देते हो उसी तरीके से आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं चीज आ रहा है फिर मैं वापस करूँगा, ठीक है। मैनुअल ले लीजिए, आपको मैनुअल पे यूज करना है। अब आप मैनुअल अभी टाइमिंग है 2 मिनट। नेक्स्ट क्लास है क्या? आपका ये चीज बन जाएगा। इस चीज को मिटाने के लिए आप इरेजर टूल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस चीज को सिलेक्शन टूल के द्वारा डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। मैं देख लेते हैं इनको। सिलेक्शन टूल से मिटाने का तरीका दोनों विंडो में अलग अलग होता है। अगर आप विंडो एक्सपी का यूजर हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है,
एक बार सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाने के बाद उस चित्र सेलेक्ट करना जिसे आप मिटाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबाकर एक बॉक्स ड्रैग करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड में डिलीट के बटन को ढूंढें और एक बार क्लिक कर दें। आपकी चित्र डिलीट हो जाएगी। अगर आप विंडोज 7 का यूजर हैं तो इस चित्र को मिटाने के लिए आप सबसे पहले अपने पॉइंटर को सेलेक्ट ऑप्शन पर लेके जाएं और माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को एक बार वीडियो पर दबाएं। यहां पर सेलेक्ट और यहां पे अभी आप तक जो क्लास 1 और क्लास 2 में जो इमेज था उसको डिलीट करने के लिए इरेजर टूल बताया गया था, ठीक है। अभी आप बच्चों को इरेजर, मान लो कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, अब वो इरेजर 2 से मिटाएंगे काफी टाइम लगेगा जी। इसके लिए यहां पे एक अलग से टूल, यहां पे सेलेक्ट टूल का उपयोग बताया गया है। सिलेक्शन टूल का उपयोग कैसे करना है, आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप उनको डिलीट कर सकते हो। सबने बना रखा है ड्रॉइंग। अभी जैसे कि आपको वीडियो में बताया कि दोनों विंडो में अलग अलग इसका यूज है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ड्रॉइंग बना हुआ है, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन बटन पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी एक बार सामने देख लीजिए, सुन लीजिए, बट अगर मान लीजिए आपने कोई एक, मानो कोई एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है कि आपको एक पेज पर तीन चार चीजें बनाया है, ठीक है, आप चाहते हो सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज को आपको मिटाना है, तो उसके लिए आप जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और सिलेक्ट ऑल। अगर पूरे पेज पे आपको मिटाना है पूरी ड्रॉइंग को, आप सिलेक्ट ऑल को इस पर क्लिक करोगे जिससे पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर डिलीट का बटन। अगर मान लो आपको एक एक इमेज मिटाना है, जैसे यहाँ पे कोई एक अलग से बनी है, ये चाहिए आपको, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ये वो बता दें सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर आपको लेफ्ट बटन दबाओगे, इस वाले को हमें सिलेक्ट करना है, तो पॉइंटर जो भी माउस टचपैड जिसका भी आप यूज कर रहे हैं उससे आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, सिर्फ वही चीज आपको जिसे मिटाना है सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ से लेफ्ट बटन को दबा के ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद फिर डिलीट का बटन, कीबोर्ड में आपको डिलीट का बटन ढूंढना है। आप लोगों को बेसक पता होगा लेकिन बच्चों का कोई इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, पहले तो इरेजर टू से इसको सेलेक्ट करके एक एक कैसे मिटाएंगे, तो आप इस तरीके से सिलेक्शन टू से आप उसको बता सकते हो। यहाँ पर किसी कोई डाउट है सर, विंडो एक्स की कैसे मिटाएंगे इसको? वीडियो सेलेक्ट करके वहां पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन होगा, सेलेक्ट थोड़ा ऊपर से ताकि थोड़ा ऊपर से अभी मेरे डिलीट के पास अगर 20 के पास है 20 के पास है तो उसको 20 सेलेक्ट करना होगा। किसी कोई डाउट है? नहीं, ऐसे मिटा सकते हैं आप दो तरीके से। जब हम सिलेक्ट ऑन करेंगे पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट आप किसी एक इमेज को सिलेक्ट करके आप उसे मिटा सकते हो। वीडियो पे और लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेके जाना है और लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। अब आप देखें आपके पेज के फाइल पर एक बॉक्स आ जाएगा। अब आप इस पूरी पेज की फाइल को सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आप कीबोर्ड में डिलीट के बटन को ढूंढें और एक बार क्लिक कर दें। आपकी शीट एक नई शीट की तरह दिखाई देगी। दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। पीछे कर थोड़ा सा आ जाइए, मेनू ले लीजिए सर। या मैं सिर्फ आपको क्लास देंगे, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स हैं आप उनको किस तरीके से आप उनको टीच करोगे
वहाँ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैनुअल को फॉलो कीजिए और वीडियो को फॉलो कीजिए, जहाँ पे क्वेश्चन लगे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे वीडियो रोकना है और इसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको वीडियो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ तुम आप मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसे ग्रोथ कीजिए,